हर हर महादेव। आज का वीडियो है कांवड़ यात्रा पे। ये है कांवड़ यात्रा 2024 और अभी मैं हूँ हरिद्वार के हर की पौड़ी में और यहाँ पे भीड़ देख करके आपको अंदाज़ा लग गया वो कितनी भीड़ है। आज है 21 जुलाई के सुबह मैं आया था गंगा आरती देखने, परंतु आने में थोड़ा विलम्ब हो गया जिस कारण मैं देख नहीं पाया गंगा आरती सुबह का। और ये है सुबह के 5 बजे का दृश्य, देख सकते हो आप सुबह 5 बजे कितने भीड़ है यहाँ पे। पूरा हर की पौड़ी कांवड़ियों से भरा हुआ है और ये है माँ गंगा का मंदिर, यहीं पर स्थित है हर की पौड़ी में। इसे हर की पैड़ी भी कहते हैं, हर की कुछ लोग हर की पौड़ी कहते हैं, कुछ लोग हर की पैड़ी कहते हैं। और ये है माँ गंगा का मंदिर। यहाँ पे भी श्रद्धालुओं का भीड़ उमड़ती ही जा रही है। अभी तो 5 बजे ही है, 5 बजे इतनी भीड़ है तो सोच सकते हो थोड़ा समय और व्यतीत होगा तो कितना भीड़ होने वाला है यहाँ पे। 6 बजे 7 बजे 8 बजे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगा यहाँ पे। और पूरा हर की पैड़ी कांवड़ियों से भरा हुआ है और माँ गंगा के मंदिर। और हम लोग अभी यहीं पे हैं और सामने देखो जो मेन रोड है हरिद्वार के अंदर का वो कितना लोगों से भरा हुआ है, बिल्कुल जाने का रास्ता नहीं, इतना ज़्यादा भीड़ हो चुका है यहाँ पे। पूरा रास्ता भरा हुआ है, इस साइड भी भरा हुआ है, हर तरफ कांवड़ियों का भीड़ है। साथ ही साथ इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कहाँ पे पार्किंग करनी है आपको। अगर आप हरिद्वार आ रहे हो सावन के महीने में तो आप कहाँ पे पार्किंग करोगे और कहाँ पे होटल लेनी है और क्या व्यवस्था है यहाँ पे, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। अब स्टार्टिंग वीडियो है, हर की पैड़ी से मैंने शुरू किया इस वीडियो को। वर्तमान समय में हर की पैड़ी पर माँ गंगा का जल का प्रवाह बहुत ही कम है क्योंकि जो मेन नदी है वहाँ से माँ गंगा के धारा को प्रवाहित किया जा रहा है। और यहाँ पर देखो आप पार्किंग है, यही पार्किंग है जहाँ पे आप बाइक अपने कार स्कूटर जो भी है उसको पार्क कर सकते हो, यहीं पे सामने पार्किंग की व्यवस्था है। ये ब्रिज के नीचे से ही रास्ता है, आप देख लेना हर की पैड़ी में। ये सभी कांवड़िया गंगा जल भर करके अपने अपने घर को जा रहे हैं और विद्वानों की माने तो प्रथम कांवड़िया भगवान परशुराम थे जो कि बागपत के निकट स्थित पूरा महादेव का जलाभिषेक करने के लिए गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल भर करके और भगवान पूरा महादेव का जलाभिषेक किया। सबसे प्यारा झांकी मुझे यही लगा, ये शिव जी को अपने कंधे बैठा करके ये भक्त ले जा रहा था और बहुत भीड़ लगी थी इसे देखने के लिए रास्ते में। इस तरह से हर प्रकार के कांवड़िया में आपको तो पता ही होगा कि ज़्यादातर कांवड़िया रात में चलना पसंद करते हैं क्योंकि धूप कम होती है, पर भोले बाबा की कृपा है यहाँ पर कि बिल्कुल मौसम सुहावना हो गया हरिद्वार का, बिल्कुल भी धूप नहीं है। ये अभी 9 बज रहे हैं सुबह के 9 बजे, देख लो बिल्कुल धूप नहीं निकला आज और पूरा दिन ऐसा ही रहने वाला है क्योंकि भोले बाबा का कृपा है इन सभी पे, क्योंकि धूप में इतने दूर तक पैदल जाना मुश्किल हो जाता थोड़ा, तो भोले बाबा ने भी बिल्कुल छाया कर दिया है और ये लोग सारे विश्राम कर रहे हैं। और ज़्यादातर ये लोग रात में ही चलना पसंद करते हैं क्योंकि रात में बिल्कुल मौसम ठंडा होता है और धूप नहीं होता, दिन में लोग विश्राम करते हैं, कहीं भी रुक गए अपने और वहाँ पर पूरे दिन रुक करके विश्राम किए, फिर जब शाम हो जाती रात में फिर ये लोग चलना शुरू करते हैं। और कल है सोमवार, 22 जुलाई को सोमवार है, पहला सोमवार और सावन शुरू हो रहा है तो भीड़ थोड़ी है। एक दिन पहले का ये वीडियो है और देख सकते हो किस तरह से सारे कांवड़िया जा रहे हैं रास्ते में। और आपको इस वीडियो में बिल्कुल बने रहना लास्ट तक, लास्ट में वीडियो बहुत स्लो हो जाएगी और वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, अलग अलग दृश्य मिलेंगे, सभी कांवड़िया दिखेंगे आपको। पूरे रास्ते इसी तरह से कांवड़िया जा रहे थे, ये लोग तो एक साइड से चले थे पर गाड़ी वालों ने थोड़ा जाम लगा दिया, वो लोग दो दो तीन तीन लाइन बना रहे थे गाड़ी वाले, उन्हें पता नहीं किस बात की जल्दी होती है, जाना है निकलना है तो थोड़ा जाम लग रहा था। बाकी ये लोग अपना रोड पे साइड में बैठ करके विश्राम कर रहे हैं तो दो तीन दिन एडजस्ट करना चाहिए सभी को, अपने साइड से चलते रहो। और ये देखो पूरा कांवड़ियों से भरा हुआ रास्ता, ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है। अभी हम लोग हरिद्वार से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, तब ये दृश्य हमें रास्ते में मिला और देखो कितना सारे कांवड़िया जा रहे हैं, सभी ने कांवड़ ले रखे हैं, कुछ ने जल ले रखे हैं और इस तरह से पूरा रास्ते में पूरे रास्ते भर सारे कांवड़िया मिल रहे थे, अभी आगे भी आने वाले हैं। और देखो कितने बड़े बड़े कांवड़ हैं, ये सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, पूरे झुंड में बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं। और धूप बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल मौसम सुहाना हो चुका है, आसमान में बादल भी दिख रहा होगा आपको, तो भोले बाबा की कृपा है बिल्कुल मौसम सुहाना होगा, नहीं तो गर्मी तो बहुत थी। 20 जुलाई को भी गर्मी बहुत ज़्यादा थी, आज है 21 जुलाई और 21 जुलाई के दिन इतना सुहाना मौसम हो चुका है। और आप हरिद्वार आ रहे हो इस टाइम घूमने के लिए
तो देख लेना, ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा होता है यहाँ पे क्योंकि कांवड़ के समय, और ये हमारा वीडियो बिल्कुल स्लो में है तो आप देख सकते हो पूरा दिख रहा होगा कांवड़ ले जाते हुए, कांवड़िए ये सारे भोले हैं, ये सारे लोग जा रहे हैं अपने कांवड़ के साथ। और कमेंट में आप जय भोले अवश्य लिखना। वैसे तो हरिद्वार में बहुत सारे धर्मशाला है, पर अगर आपको होटल में रुकना है तो आप मेन हाईवे पे ही होटल लेना, वहाँ पे आपको होटल 500 से 1000 रुपये के बीच में मिल जाता है।